हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आप लोगों का वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल टिप्स टेक्निकल ज्ञान में। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ऑल पे सेट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट एंड नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको मतलब जैसे कि PG सर्विस क्या होती है। जी गाइस, PG पेमेंट गेटवे क्या होता है, जो गाइस मैं आप लोगों को फुल्ली इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। गाइस, ये फर्स्ट टाइम वीडियो होगी जो मेरे चैनल पे PG के रिगार्डिंग होगी। सो गाइस, मैं आप लोगों को आज पूरी बात बताने वाला हूँ कि PG सर्विस क्या होती है। गाइस, PG सर्विस पोर्टल होता है। जैसे आप कोई भी APS पोर्टल आप यूज़ करते हैं तो उसमें आप पेमेंट गेटवे का ऑप्शन देखते हैं, जो अपने वॉलेट में जो है पेमेंट ऐड करते हैं। सो गाइस, ये ऑप्शन जो है सभी पोर्टलों में अवेलेबल नहीं है। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे अदर पेमेंट मेथड। सो गाइस, यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI QR कोड, EMI, पे लेटर, बहुत सारे ऑप्शन आपको वॉलेट में देखने को पहले मिलता था। सो गाइस, अब देखने को नहीं मिलता इसलिए क्योंकि गाइस PG के ऊपर जो है बहुत सारी इलीगल रिपोर्ट्स आई हैं। जी गाइस, बहुत सी इलीगल रिपोर्ट्स आई हैं जो मतलब PG यूज़ करते थे वो फ्रॉड एक्टिविटी करते थे, इसलिए किसी कंपनी ने इसे बैन कर दिया है। लेकिन गाइस, अभी आपको पता ही है जो हमारा इको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एकमात्र ऐसा पोर्टल है जिसमें आप ये सारे मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्योंकि गाइस वो बहुत ही सिक्योर कंपनी है और गाइस उसमें आपको सिक्योरली पेमेंट ऐड होता है, इंस्टेंटली ऐड होता है। गाइस, पेमेंट गेटवे का मतलब मैं आपको बताता हूँ पूरा ऑप्शन। जैसे आप मर्चेंट होते हैं और मर्चेंट अगर किसी कस्टमर का पेमेंट लेना हो तो उसके पास कैश नहीं है, तो आपको आप QR कोड जनरेट करके उससे दे सकते हैं, वो स्कैन करके आपको पेमेंट कर देता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि डेबिट कार्ड से आप अपने डेबिट कार्ड से वॉलेट में लोड लेके मनी ट्रांसफ़र, रिचार्ज, बिल पेमेंट A to Z कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन होता है गाइस नेट बैंकिंग का। नेट बैंकिंग आपको जो बैंक से आपको यूज़र ID पासवर्ड मिलता है जो जनरेट किया हुआ होता है आपने, चाहे ऑनलाइन अकाउंट क्यों ना हो, तो उसमें एक नेट बैंकिंग यूज़र ID पासवर्ड होता है। उसके रिगार्डिंग आप जो है आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू OTP के थ्रू आप जो है बैलेंस ऐड कर सकते हैं अपने वॉलेट में। उसके बाद आप रिचार्ज, मनी ट्रांसफ़र, A to Z कर सकते हैं। लेकिन गाइस, कुछ फ्रॉड लोगों ने इसे यूज़ करने के लिए क्या लगा दिया कि मतलब किसी भी कस्टमर का डेटा उनके पास आ जाता था तो उनको कॉल करते थे, सर अपना डेबिट कार्ड डिटेल बताइए वरना आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद उनका डेबिट कार्ड डिटेल लेके PG के थ्रू पेमेंट ऐड कर लेते थे। आपको पहले पता है कि अगले 2 सालों में ऐसे बहुत से केसेस आप लोगों के सामने आए होंगे, हमारे सामने भी बहुत से आए हैं, एक दो बार मेरे पास भी कॉल आया। सो गाइस, ऐसे आप लोगों को बिल्कुल भी डिटेल नहीं बतानी है, अपनी डिटेल तो आपको बिल्कुल भी नहीं बतानी है, क्योंकि आप अपनी पर्सनल डिटेल कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि बैंक वाले खुद ही कहते हैं कि आप हमें हमारे पास ऑलरेडी आपकी डिटेल होती है तो हमें आपकी डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और कभी भी कोई बैंक अधिकारी आप लोगों से डिटेल नहीं मांगता है। सो गाइस, अगर आपको PG सर्विस अगर आपको सही में यूज़ करना है और सही तरीके से यूज़ करना है तो कौन सा पोर्टल है उसकी रिगार्डिंग मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस, इस वीडियो को आप जितना सपोर्ट दोगे नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। लेकिन गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि PG सर्विस अभी किस किस पोर्टल में अवेलेबल है। सो गाइस, अभी मैं एक ही पोर्टल बताऊंगा, वो है इको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और अगर आपको और भी पोर्टल के बारे में इंक्वायरी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, वीडियो को ऊपर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट एंड नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।